Hi guys, how are you? This is Dinesh from Kanpur. Today we discuss about the haploidic and diploidic life cycle. ठीक है, तो आज हम haploidic और diploidic life cycle को एक साथ discuss करेंगे, क्योंकि मैं मेरे जो पिछले वीडियो थे तो उनमें मैंने क्या किया था, ये haploidic के अलग और diploidic के अलग वीडियो मैंने बना के डाल दिए थे. बट इस वीडियो में मैंने क्या करूँगा कि haploidic और diploidic को एक साथ डिस्कस करूँगा. ठीक है, तो अपन की जो सेंट्रल हेडिंग है तो हैप्लोइडिक एंड डिप्लोइडिक लाइफ साइकिल. ठीक है, दिस इज द सेंट्रल एंड दिस इज द फंडा ऑफ हैप्लोइडिक एंड डिप्लोइडिक लाइफ साइकिल. थोड़ा उसको रीडिंग लगा लेते हैं. अपने पास क्या है, बोथ फेज आर मल्टी सेलुलर. दोनों फेज जो होते हैं हैप्लोइडिक एंड डिप्लोइडिक, ठीक है, दोनों फेज बोथ फेज आर मल्टी सेलुलर, बट मल्टी सेलुलर होते हैं लेकिन डिफर्ड इन द देयर डिफर्ड इन देयर डोमिनेंट फेज. ये डोमिनेंट फेज भी होते हैं. ठीक है, ये मिटोफिटिक फेज डोमिनेंट इन ब्रायोफाइटा. तो क्या बोला एक बार फिर से, गैमेटोफिटिक फेज. क्या बोला, गैमेटोफिटिक फेज डोमिनेंट इन ब्रायोफाइटा एंड स्पोरोफिटिक फेज. क्या बोला, स्पोरोफिटिक फेज डोमिनेंट इन टेरिडोफाइटा. तो स्पोरोफिटिक फेज जो होता है तो टेरिडोफाइटा से बिलोंग करता है एंड गेमेटोफिटिक फेज जो होता है तो ब्रायोफाइटा. ठीक है, तो गेमेटोफिटिक फेज इन प्लांट टेरिडोफाइटा. ठीक है, तो ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा. तो दोनों हमारे एग्जांपल इस केस में हैप्लोइडिक एंड डिप्लोइडिक लाइफ साइकिल के केस में अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो ब्रायोफाइटा हो जाएगा एंड टेरिडोफाइटा हो जाएगा. ठीक है, दिस इज द टू एग्जाम्पल. और उसके साइकिल की बात करते हैं तो वेरी सिंपल यार, दिस इज द प्लांट बॉडी. अपने पास क्या प्लांट बॉडी है, प्लांट बॉडी क्या करता है कि स्पोरोफिल या स्पोरेंजिया, स्पोरोफिल जाएंगे स्पोरेंजिया मिलेगा, उससे मियोसिस होगा तो स्पोर मिलेंगे. दिस इज द स्पोर गेमेटो गेमेट रिप्रोडक्शन होगा. ठीक है, स्पोर निकलेंगे गेमेट रिप्रोडक्शन होगा तो गेमेटोफाइटा बनेगा. क्या होगा, गेमेटोफाइटा. इसमें दो रूट हो जाते हैं. ठीक है, ये सब सिंगल स्टैंडर्ड है, यानी कि सिंगल यानी वन ओनली एन. ठीक है, इसमें डबल एन हो जाएगा, टू एन हो जाएगा, यानी कि दिस इज द केस ऑफ हैप्लोइडिक एंड दिस इज द केस ऑफ डिप्लोइडिक. यानी पूरा जो लाइफ साइकिल है उसमें हाफ साइकिल हैप्लोइडिक है, हाफ साइकिल डिप्लोइडिक है. ठीक है, तो जो हैप्लोइडिक है उसमें सिंगल स्टैंडर्ड होगा यानी कि वन एन होगा, जो डबल स्टैंडर्ड है तो उसमें डबल एन होगा यानी कि टू एन होगा. तो हम यहाँ तक पहुँच गए थे, गैमेटोफाइटा के बाद टू फेज आ जाएंगे एन एन, फर्टिलाइजेशन होगा, जायगोट बन जाएगा. ठीक है, मेल फीमेल के करेक्टर शो करके नहीं, फर्टिलाइजेशन करेंगे जायगोट बना लेंगे. जायगोट बनने के बाद इम्ब्रायो बनेगा, डबल स्टैंडर्ड चल रहा है. ठीक है, तो जायगोट बनने के बाद इम्ब्रायो, इम्ब्रायो बनने के बाद स्पोरोफाइटा, स्पोरोफाइटा के बाद फिर वही प्लांट बॉडी गैमेटोफाइटा. पूरा लाइफ साइकिल है, सो वेरी इजी यार. फिर से एक बार वीडियो पॉज कर लेना, क्लियर हो जाएगा. सो थैंक यू, दिस इज दिनेश फ्रॉम कानपुर. ओके, गुड लक, टेक केयर.